दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। जेल में इंसुलिन मुहैया कराने और डॉक्टर से वर्चुअली मिलने की मांग की गई। जेल में बंद केजरीवाल का याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में भी होगी सुनवाई। ईडी के समन को चुनौती और गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की गई। तिहाड़ जेल प्रशासन ने एलजी को सौंपी रिपोर्ट, कहा केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत नहीं, डॉक्टर उनकी हेल्थ का रख रहे हैं ख्याल। केजरीवाल के लिए इंसुलिन लेकर तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता का प्रोटेस्ट, जेल प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। सौरभ भारद्वाज का तिहाड़ प्रशासन से सवाल, इंसुलिन देने में क्या दिक्कत है? दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय का बयान, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों में आक्रोश। गोपाल राय ने निशाना साधते हुए कहा, गिरफ्तारी के बाद जेल में जिस तरह से उनके साथ अत्याचार हो रहा, इसका जवाब लोग अपने वोट की ताकत से 25 मई को देंगे। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज दिल्ली के कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से अर्जी की कॉपी के बारे में पूछा था सवाल। आज यूपी के चुनावी दंगल में फिर उतरेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी के साथ दोपहर 2 बजे अलीगढ़ में रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के संपत्ति बांट देंगे वाले तंज पर सियासी हंगामा, राहुल गांधी समेत विपक्ष ने किया पलटवार। बांसवाड़ा की रैली में बोले मोदी, कांग्रेस आपका सोना चांदी हड़पना चाहती है, आपकी मेहनत की कमाई उनमें बांटेगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस शहरी नक्सलियों के चंगुल में है, कांग्रेस का घोषणा पत्र माओवाद को बढ़ावा देने की कोशिश। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी पर भी साधा निशाना, कहा जो मैदान छोड़कर भागे वो राजस्थान से राज्यसभा में आए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान को झूठा बताया, सोशल मीडिया पर लिखा, घबराकर जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं पीएम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम मोदी की बौखलाहट उनके भाषण से दिख रही है, प्रथम चरण के नतीजों में इंडिया जीत रहा है। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर साधा निशाना, लिखा मोदी की बस एक ही गारंटी है, मुसलमानों को गाली दो और वोट बटोरो। राजस्थान के जालौर में पीएम मोदी की जनसभा, कहा कांग्रेस ने देश को किया खोखला, कांग्रेस को जनता ने उसके पापों की सजा दी। चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास नहीं है उम्मीदवार, देश की कांग्रेस को लेकर है गुस्सा, पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस पर साधा निशाना, कहा वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव, कांग्रेस देश को मजबूत नहीं बना सकती। जालौर की सभा में सीएम भजन लाल शर्मा का दावा, सूबे की सभी 25 लोकसभा सीटें जीतेंगे। गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में करेंगे चुनाव प्रचार, दोपहर 12 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार के कटिहार में गृहमंत्री अमित शाह की रैली, कहा लालू राबड़ी के शासन में बिहार में जंगल राज आया। पीएम ने परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति को खत्म किया, गरीबों के जीवन में बदलाव लाया, अमित शाह का बयान। असम के सिलचर में अमित शाह का रोड शो, भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर रहेंगे, 3 जगह जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपीए सरकार ने भ्रष्टाचार और वंशवाद को बढ़ावा दिया, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का बयान। कांग्रेस की ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की वजह से गरीबी कम नहीं हुई, हमारी सरकार में 25% लोग गरीबी से बाहर आए, धारवाड़ में जेपी नड्डा का बयान। मालदा की रैली में राजनाथ सिंह का बयान, ममता सरकार भ्रष्टाचार, गुंडों और क्रिमिनल्स की सरकार है। दार्जिलिंग की सभा में राजनाथ सिंह ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा जिस हुकूमत में माता बहनें सुरक्षित नहीं है ऐसी हुकूमत पर लानत है। बंगाल के कुमारगंज में सीएम ममता बनर्जी की जनसभा, कहा मुझे और मेरे भतीजे अभिषेक को जान से मारने की साजिश रच रही है बीजेपी। कोरबा की रैली में बोले सीएम योगी, कांग्रेस सरकार में देश असुरक्षित था, भुखमरी और पलायन बड़ी समस्या थी। सीएम योगी के कोरबा पहुंचने से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली बुलडोजर रैली, सीएम योगी के समर्थन में लगाए नारे। मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल का आज रोड शो, उनके साथ सीता और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले कलाकार दीपिका और सुनील लहरी भी रहेंगे साथ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज गौतम बुद्ध नगर में करेगी चुनाव प्रचार, सिकंदराबाद में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस की तरह बीजेपी पर भी ध्यान किसानों पर नहीं है, बीजेपी की नीतियां दलित वंचितों के लिए सही नहीं है, मायावती का बयान। मथुरा में बीजेपी कैंडिडेट हेमा मालिनी की अपील, सभी लोग वोट डालने जरूर जाएं, पीएम देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मथुरा की रैली में हेमा मालिनी के लिए जयंत चौधरी के लिए मांगे वोट, कहा मैं उनके सामने कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज फिर बिहार के किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार, पूर्णिया जिले में 3 जनसभा को करेंगे संबोधित। एनसीपी अजित पवार गुट आज मुंबई में अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगा, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे रहेंगे मौजूद। कांग्रेस की 17वीं लिस्ट जारी, आंध्र प्रदेश और झारखंड के 11 कैंडिडेट का किया ऐलान, गोड्डा से बदला उम्मीदवार। एमपी के सतना में बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान है, इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में प्रियंका गांधी की जनसभा, कहा देश की जनता महंगाई से परेशान है, पीएम महंगाई की बात नहीं करते, पीएम मोदी अमीरों का कर्जा माफ करते हैं, सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रियंका गांधी का आरोप।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, देश में कोई मोदी लहर नहीं है, इस बार परिवर्तन होगा। सचिन पायलट ने साधा निशाना, कहा जनता से झूठे वादे कर रही है मोदी सरकार, बीजेपी से सीधी फाइट में जीतेगी कांग्रेस। कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी पर बोले बीजेपी कैंडिडेट मनोज तिवारी, देश को गाली देने वाले को कैंडिडेट बनाकर कांग्रेस ने नुकसान किया। एमपी की सभी 29 सीटों पर बीजेपी करेगी क्लीन स्वीप, छिंदवाड़ा से कमलनाथ परिवार हारेगा, सीएम मोहन यादव का दावा। एमपी के छतरपुर में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। बाड़मेर में बोले द ग्रेट खली, पीएम ने विकास के वो काम किए जिसने कभी सोचा नहीं होगा, राहुल गांधी खुद जुमला बन गए। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, लोकतंत्र और देश के सेक्युलर कल्चर को बचाने के लिए विपक्षी दल साथ आए। लखनऊ से बीजेपी कैंडिडेट राजनाथ सिंह 29 अप्रैल को करेंगे नामांकन, पार्टी के कई बड़े नेता होंगे शामिल। रांची में इंडिया अलायंस की रैली, केजरीवाल और हेमंत सोरेन के लिए खाली रखी गई 2 सीटें, तबियत खराब होने से राहुल गांधी नहीं हुए शामिल। रैली में शामिल हुई सुनीता केजरीवाल, कहा सीएम केजरीवाल को सत्ता की भूख नहीं है, वो सिर्फ देश की सेवा करना चाहते। जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन छूटेंगे, सुनीता केजरीवाल ने लगाया नारा। रांची की रैली में कांग्रेस चीफ खड़गे की 2 टूक, सोरेन और केजरीवाल को जेल में डालने से इंडिया अलायंस डरेगा नहीं। इंडिया अलायंस जीतेगा तो देश के लिए काम करेगा, मोदी जी जीतेंगे तो अडानी के लिए काम करेंगे, रांची की रैली में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान। रांची की रैली में शामिल हुए सपा चीफ अखिलेश यादव, मोदी शाह ने देश को 10 साल पीछे धकेला, इस बार बीजेपी की विदाई तय। मोदी सरकार में गरीबी और महंगाई बढ़ी, पीएम ने सिर्फ जुमलेबाजी की, रांची की रैली में तेजस्वी यादव का बयान। इंडिया अलायंस की रैली में भिड़े राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक दूसरे को कुर्सी से पीटा। राजद और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच झगड़े पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, ये आपस में एक साथ नहीं रह सकते, गठबंधन स्वार्थ का है। सीएम नीतीश के बयान पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का पलटवार, कहा उन्होंने कोई काम नहीं किया इसलिए लालू परिवार पर ही बोलेंगे। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली का बयान, देश में पहली बार विपक्ष इतना मजबूत है, इस चुनाव में इंडिया अलायंस जरूर जीतेगा। संजय निरुपम ने भी उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा पुत्र मुंह में फंसकर पार्टी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। वडोदरा में सीएम भूपेंद्र पटेल ने एक सार्वजनिक सभा में की शिरकत, कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया। कर्नाटक के हुबली में नेहा की हत्या बना बड़ा मुद्दा, हत्या के विरोध में बीजेपी आज कर्नाटक में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी, लव जिहाद का लगाया आरोप। नेहा के परिवार से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नेहा के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की, हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद है नेहा के पिता निरंजन। नेहा हत्याकांड पर बीजेपी राजनीति कर रही है, कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली का बयान। स्कूल नौकरी घोटाले में कोलकाता हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला, राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कुछ अधिकारी मामले में हुए थे गिरफ्तार। नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी और अमित कत्याल को बनाया आरोपी। यूपी पेपर लीक मामले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी समेत 4 लोग गिरफ्तार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सियाचिन जाएंगे, करीब 20,000 फुट की ऊंचाई पर सेना के जवानों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी भीषण आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, काफी देर दूर से दिखाई दी आग की लपटें। लैंडफिल साइट के बड़े हिस्से तक फैली आग, आसपास रहने वाले लोगों ने धुएं की वजह से सांस लेने में दिक्कतों की कही बात। स्थानीय लोगों का प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप, बोले धुएं का बुजुर्गों पर गंभीर असर होगा। मध्य प्रदेश के गुना में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, रेप के आरोपी के घर को ध्वस्त किया। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के पास एक निर्माणाधीन इमारत के करीब लगी आग, आसपास के इलाकों में मची दहशत। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू, इमारत के करीब रखी निर्माण सामग्री में लगी थी आग। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, पूरे मामले की पुलिस कर रही है जांच। आईएमडी का अनुमान, दिल्ली में आज हो सकती है बारिश, 2 से 3 दिन तक 38 डिग्री तापमान रहने का अनुमान। बढ़ती गर्मी की वजह से ओडिशा सरकार का फैसला, 25 अप्रैल से स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान। उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी से लोग बेहाल, बचाव के लिए अलग अलग तरह के कर रहे हैं उपाय। अयोध्या में सरयू घाट पर की गई संध्या आरती, बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगी टक्कर, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा मुकाबला, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल टूर्नामेंट में मुंबई ने अब तक 7 मैचों में से 3 में दर्ज की जीत, पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर राजस्थान। साई किशोर की फिरकी के जाल में फंसे पंजाब किंग्स के बल्लेबाज, गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से दी मात। गुजरात टाइटंस के लिए साई किशोर ने कमाल का प्रदर्शन किया, साई किशोर ने पंजाब किंग्स के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, मोहित शर्मा और नूर अहमद ने 2-2 विकेट लिए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स की पूरी टीम 142 रन बनाकर आउट,
प्रभसिमरन सिंह ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए, हरप्रीत बराड ने 29 रन जड़े। प्रभसिमरन सिंह और हरप्रीत बराड के अलावा पंजाब किंग्स का कोई बल्लेबाज नहीं चला, 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। गुजरात टाइटंस के लिए राहुल तेवतिया ने सबसे ज्यादा रन बनाए, 18 बॉल में खेली 36 रन की नाबाद पारी। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने 35 रन बनाए, साई सुदर्शन ने 31 रन की पारी खेली। पंजाब के हर्षल पटेल ने 3 विकेट झटके, लियम लिविंगस्टोन को 2 विकेट मिले, अर्शदीप सिंह और सैम करन को 1-1 विकेट मिला। आरसीबी की लगातार 6ठी हार, रोमांचक मैच में 1 रन से जीत केकेआर। कलकत्ता के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक जड़ा, 36 बॉल पर खेली 50 रन की पारी। केकेआर के लिए फिल सॉल्ट ने खेली तूफानी पारी, 14 गेंद पर 48 रन बनाए। रमनदीप सिंह ने 9 बॉल में खेली 24 रन की धुआंधार पारी, रिंकू सिंह ने 16 गेंद पर 24 रन बनाए। केकेआर के लिए आंद्रे रसेल ने किया शानदार प्रदर्शन, 27 रन बनाने के साथ 3 विकेट झटके। सुनील नरेन और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट झटके, वरुण चक्रवर्ती और मिशेल स्टार्क को 1-1 विकेट मिला। आरसीबी के लिए विल जैक्स और रजत पाटीदार ने अर्धशतकीय पारी खेली, दिनेश कार्तिक ने 25 और सुयश प्रभुदेसाई ने 24 रन बनाए।